हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेमर्स काउच। वेलकम आपका एपिसोड नंबर 10 पर माइनक्राफ्ट हार्डकोर सीरीज में। जिन्होंने पिछला एपिसोड नहीं देखा, आई बटन पर डाल रहा हूँ, जाकर क्लिक करें और पूरा एपिसोड देख ले। तो चलो शुरू करते हैं। तो यार मैंने सोचा है इस एपिसोड में, मतलब जो मेरा दिल था करने का, कि मैं ना खेती करूंगा शुगर केन की, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यार। हमें विलेजर्स वगैरह अनलॉक करने रहते हैं और काफ़ी बुक्स हैं जो भी रहती है, मतलब करनी है अनलॉक। तो यार मैं आपको बता दूं, मैं करने वाला हूं इस एपिसोड के अंदर खेती शुगर केन फार्म की। हाँ, और भी बहुत कुछ करने वाले हैं तगड़ा। तो यार मैं आपको बता दूं कि हमारे प्यारे सब्सक्राइबर ने बोला था फास्ट फॉरवर्ड ना करें वीडियो को, मतलब अच्छी नहीं लग रही कुछ भाइयों को। तो मैंने सोचा है क्यों ना मैं फास्ट फॉरवर्ड अब बंद कर दूं। मैं असल में क्या करता था, आपको जिन्होंने पिछला एपिसोड देखे ही है उन्हें पता है कि मैं पूरे ना पूरा डालता था मेहनत करते हुए, मतलब पूरा उसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता था, कुछ बेकार की चीज़ क्रॉप कर देता था। तो मैं अब सोच रहा हूँ कि ज़्यादातर जो है क्रॉप कर दूंगा और फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूंगा, मतलब वीडियो चाहे क्रॉप करनी पड़े जो बेकार की चीज़ें जैसे माइनिंग वगैरह, उसको पूरे को हटा देंगे। और वॉइस ओवर बिल्कुल रहेगा अब जेन्यून वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसके अंदर नहीं, ये बन चुकी थी वीडियो पहले ही, मतलब आधी वॉइस ओवर हो जाता और आधा अलग हो जाता, तो वो दिक्कत हो जाती। नेक्स्ट पार्ट से बिल्कुल आपका भाई बनाएगा एकदम जेन्यून, समझ रहे हो। तो यार हमें शुगर केन फार्म आपको बताइए, मतलब खेती करनी है। तो यार यहाँ पर हमारे पास पीछे विलेजर हॉल के, अगर आपने एपिसोड में देखा हो शायद, मैंने अगर डाला हो ये वाला, तो हमने यहाँ पर खेती कर ली थी छोटी थी, मतलब लगा दिए थे कि ज़रूरत मतलब बड़े हो जाएंगे कभी ना कभी नीड रहेगी, तो अब हमें ज़रूरत आ ही गई इसकी। तो यार ये मैंने बनाया है आपको पता है 300 का, तो यहाँ पर हम अभी करने वाले हैं। और हमें विलेजर अनलॉक करने, तो आपको पता है कितना ज़रूरी होता है शुगर केन पेपर बनाने के लिए और बहुत सी चीज़ों के लिए वर्क में मतलब यूज़ होता ही है यार, जैसे रॉकेट्स वगैरह हो गए, काफ़ी चीज़ों में यूज़ आता है। तो यही हमें करना है, सबसे पहले करना था। तो भाई मैं, मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ जब मैं ये कर रहा था, कि मुझे जब को मैंने जब बड़े हो गए और बार बार तोड़ा काटा पीट बचाई शुगर केन को, तो मुझे एहसास हुआ कि यार ये बहुत स्लो प्रोसेस होने वाला है हार्डकोर सीरीज के लिए, इसको बहुत टाइम जाएगा हमें बड़ा बनाने में और काफ़ी मतलब समझ रहे हो ना जेम्स वगैरह और अनलॉक करने में किसको, विलेजर्स को। तो यार मैंने सोचा कि क्यों ना इस प्रोजेक्ट को थोड़ा और बड़ा करा जाए। तो मैंने सोचा यार अब मैं बनाने वाला हूँ शुगर केन फार्म, ह्यूज, बहुत बड़ा भाई, बहुत बड़ा शुगर केन फार्म जो घंटे भर में अंधाधुंध शुगर केन दे, समझ रहे हो ना। तो अनलिमिटेड शुगर केन फार्म बनाएंगे हम, कुछ ऐसा तगड़ा बनाएंगे। और भाई इसमें आपको पता ही है, हमने जो पिछला शुगर केन फार्म बनाया था, पिछला एपिसोड नहीं देखा जिन्होंने देख ले, उसमें बनाया था तो वो वर्क नहीं कर रहा था। आपको पता है यार मैं बिल्कुल न्यू जावा में, तो मुझे पता नहीं था बहुत मिल फार्म शुगर केन पर वर्क नहीं करती जावा में। तो खैर कोई नहीं, हमने आपके भाई ने विलेजर्स के घरों का काम 35 कर दिया भाई, पूरा काम मतलब समझ रहे हो 36-38 उसके, क्योंकि हमें कोबल स्टोन चाहिए। तो उसके बाद भाई पेड़ काटे, क्योंकि पेड़ काटने ज़रूरी थे, पेड़ भी चाहिए थे, क्योंकि यार हमें ऑब्जर्वर बना रहे 72 78 या 72 आज है, इतने ही हमें बनाने। तो इसके लिए हमने माइनिंग करी दबा के कोबल स्टोन की, और मतलब फुल दबा के कोबल स्टोन करे खट्टे जितने हो सकते थे, और ऑब्जर्वर क्योंकि हमें बनाने थे, और हमें साथ में पिस्टन भी बनाने भाई 5 स्टैक, सोच रहे हो कितनी मेहनत लगेगी। तो भाई इसीलिए फुल माइनिंग वायर वगैरह हमने करी दबा के जितनी हो सकती थी, उतने पत्थर तोड़े, समझ रहे हो ना। और फिर भाई बनाए पिस्टन वगैरह, ऑब्जर्वर बनाए, ऑब्जर्वर बनाने थे हमें 72 something, हाँ 72 या 78, हाँ इतने ही बनाने थे। तो क्योंकि बहुत ह्यूज बड़ा बनाने वाले हैं भाई, मतलब शुगर केन की दिक्कत ही खत्म हो जाए। और आपको बताइए यार जावा में ताला जो भी मैं देख रहा हूँ फार्म बहुत ही ह्यूज है भाई, तो ऐसी की तैसी हो रही है। इसके बाद एक्सपी फार्म शायद हम बनाए, या फिर हम इस विलेज एरिया मतलब पूरा एरिया जो खराब हुआ है इसको सही करके अपना एरिया प्यारा खूबसूरत सुंदर बनाएंगे, समझ रहे हो। तो ये काम करेंगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो भाई नए हैं बिल्कुल चैनल पर, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, सपोर्ट करें यार अपने भाई को, और वीडियो लाइक कर दें, हो सके तो शेयर भी कर दें। तो यार पूरी माइनिंग के बाद हम पहुँचे वापस भाग के घर पर, क्योंकि हमें ऑब्जर्वर और पिस्टन बनाने थे दबा के, समझ रहे हो। तो काफ़ी तो हम बना ही चुके थे, आपने देखा ही है, तो थोड़ा और बनाए, ऑब्जर्वर और पिस्टन बनाए, दोनों बनाए जितने हो सकते थे भाई। पिस्टन हमें चाहिए थे 5 स्टैक, समझ रहे हो ना, मैंने जैसा पहले भी बताया तगड़ा मामला है पिस्टन का। तो ऑब्जर्वर पूरे हो गए हमारे 72 और पिस्टन हो गए 39। तो भाई पिस्टन वगैरह जो है लकड़ी वगैरह इकट्ठी करी, बाकी तो आपके पता ही, आपके भाई के पास फुल माल रखा था, अपने आयरन फार्म से भी काफ़ी माल इकट्ठा कर रखा है, दबा के आयरन है तो टेंशन वाली बात नहीं है। तो पिस्टन वगैरह की इनकी कोई मुझे इतनी खास टेंशन नहीं है, रेड स्टोन सब चीज़ें हैं हमारे पास। तो कुछ चीज़ें हैं जो नहीं है और जो हमें बाद में पता चली और बहुत बुरा भी हुआ। तो यार हमें शुगर केन भी चाहिए उसके लिए,
तो बार बार आप तोड़ रहे हैं जितने बढ़ रहे हैं ये। शुगर केन चाहिए 5 स्टैक पूरे, बल्कि 5.5-6 स्टैक, तो ये भी हम खट्टा कर रहे हैं इसीलिए, समझ रहे हो ना। और साथ ही में हमें चाहिए था भाई ये रेल चाहिए थी, गोल्डन रेल जो होती है वो भी पावर रेल वो चाहिए थी। और उसमें तो मेरे साथ ऐसा कांड हुआ जो मैंने बाद में ध्यान दिया कि यार घर पे पड़े हुए थे गोल्ड और मैं बाहर गया कुछ गोल्ड के लिए मुझे जाना पड़ा था। खैर कुछ ऐसा कांड ही हूँ पर हाँ अफसोस होता है। तो यार ये एरिया मुझे सही लगा घर के सामने बिल्कुल बनाने के लिए। इस एरिए को मैंने बाद में क्लीन भी करा, पूरा एरिया मैंने ये साफ करा है। और पता नहीं वो वीडियो मेरी रिकॉर्ड क्यों नहीं हुई, पता नहीं क्या दिक्कत हुई है। खैर जो भी है, तो ये पूरा एरिया साफ करा आपके भाई ने और इसमें यहाँ पे अपनी चेस्ट वगैरह लगा दी भाई। सारा सामान जितना बना लिया था, 5-6 स्टैक पिस्टन और जो भी सामान थे जितने थे, अपने सारे रेड स्टोन इकट्ठा करके उनके ब्लॉक बना लिए क्योंकि ब्लॉक की भी ज़रूरत है हमें, 48-38 समथिंग, तो वो भी बनाया। और सब काम करके अपना इधर जो जितना सामान बन चुका था चेस्ट में रखा, समझ रहे हो। और एक और कांड है कि भाई मेरी तबीयत पता नहीं क्या हो रहा है आजकल। असल में मैं बताऊँ मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है साइनस की, तो तबीयत यार बिगड़ जाती है आपके भाई की एकदम। तो खैर मैंने फिर भी सोचा यार कि वीडियो तो बनती रहनी चाहिए, हालांकि लेट हो जाती है इस वजह से, मगर मैं बनाता हूँ फिर भी भाई, कोशिश करता हूँ, थोड़ी लेट आए पर आए जरूर। भैया हमें चाहिए थे फर्नेस दबा के, तो 7-8 फर्नेस मैंने बनाए, जितने हो सकते थे सारे फर्नेस मैंने बनाए, ठीक है, जाके लगाया उन्हें। और फर्नेस इसलिए लगाने थे यार क्योंकि ग्लास चाहिए थे काफ़ी ज़्यादा, और क्या बोलते उसको स्मूथ स्टोन जो होता है वो चाहिए था। अच्छा कार्ड पता क्या था, स्मूथ स्टोन के लिए सही टच अगर हो तो बेटर हो, नहीं तो कोबल स्टोन को फर्नेस में डालो फिर वो स्टोन बनेगा, फिर उसको दोबारा फर्नेस में डालो फिर स्मूथ स्टोन बनेगा, तो भाई इस प्रोसेस में बहुत टाइम जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना जाके खरीद ली जाए पिकैक्स, समझ रहे हो, तो अपने पास तो है ही यार टूल स्मिथ, तो मैंने सोचा वहाँ से जाके पिकैक्स उठा लूँ। तो वहाँ से भाई मैंने पहले तो ट्रेड करी दबा के आयरन वगैरह की, पिकैक्स खरीदी, उसके बाद हमने एक विलेजर अनलॉक करा था शायद अगर वीडियो में आपने देखा होगा, तो एक हमारे पास सिल्क टच वाला भी विलेजर है तो वो हमने अनलॉक करा था। तो उसमें हमें अब ये फ़ायदा हो रहा है कि हमारे पास सिल्क टच है, समझ रहे हो। तो हमने ट्रेड करी पहले तो पिकैक्स, उसके बाद ट्रेड करी भाई सिल्क टच विलेजर से, समझ रहे हो, यही लाइब्रेरियन से, और दोनों को मिला के हमने बनाई अपनी पिकैक्स सिल्क टच वाली, समझ रहे हो, ताकि हमें डायरेक्ट तोड़ने पर स्टोन ही मिले, स्टोन को तोड़ने पर कोबल स्टोन ना मिले, समझ रहे हो। तो इसीलिए ये मतलब टाइम बचाने का प्रोसेस हमने करा ताकि अपना टाइम बचे दबा के। तो ये रही एक बुक उठा ली हमने जैसा कि आप देख सकते हो, और जाके भाई करी ट्रेड। भाई नेक्स्ट वीडियो में ना आपको दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल, वॉइस ओवर बिल्कुल अलग से रहे, मतलब एट अ टाइम रहेगा बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और यार एक बात बताओ, एनीमे कौन कौन देखता है। वैसे मैं देखता नहीं था मगर मैंने देखनी शुरू करी जुजुत्सु काइजन, और फिर देखते देखते भाई पता ही नहीं चला कब पूरी एंड हो गई वो, और उसके बाद भाई मैंने मांगा भी पढ़ना शुरू कर दिया उसका, और बस पूछो मत यार कसम से बता रहा हूँ, पूछो मत। और खैर कोई नहीं, उसको दूर करते हुए अभी थोड़ा इधर आते मुद्दे पे, और मुझे यार सजेस्ट भी करना कौन सी एनीमे देखनी है, छोटी सजेस्ट करना, बड़ी नहीं देखो मैं कभी, तुम नारुतो बताओ कौन वो मत बताना, कोई छोटी बताओ, ठीक है। तो भाई फिर आपको पता ही है हमने पिकैक्स किस लिए बनाई थी, स्टोन के लिए, ताकि हम स्मूथ स्टोन कर सकें। तो भाई दबा के आपके भाई ने करी फिर से माइनिंग, इतना माइन कराना किसी ने सोचा नहीं होगा भाई, फुल गड्ढे खोद दिए, समझ रहे हो। उसके बाद भाई हमने स्टोन को रखा और फर्नेस में बनाए स्मूथ स्टोन, दबा के जितने हो सकते थे उतने स्मूथ स्टोन बनाए, क्योंकि यार हमें बनाने हैं 3500 स्मूथ स्टोन, समझ रहे हो, 3500, तो भाई तक अच्छा खासा मतलब 30-40-50 स्टैक के आसपास हमें स्मूथ स्टोन चाहिए। तो भाई बहुत अच्छे खासे मतलब जितने हो रहे थे बना रहा था, तो इस वीडियो में ही मैंने 14-15 तो तकरीबन कंप्लीट कर लिए थे पूरे, 14-15 स्मूथ स्टोन का मामला खट्टा कर लिया था आपके भाई ने। तो बाकी जो रह रहे हैं वो भी हमने कंप्लीट कर लिए बाद में, और क्योंकि भाई बहुत लंबी वीडियो जा रही थी, और इस बार मैं फास्ट फॉरवर्ड भी कर रहा हूँ वीडियो को वैसे भी, तो इसीलिए मैंने उसको अलग कर दिया बिल्कुल, मतलब कार्ड दिया, मैंने कहा यार बहुत टाइम जाएगा, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, बोर हो जाओगे सब लोग, तो जितने स्मूथ स्टोन बन रहे हैं आपको दिखा दिए, बाकी जो है वो मैंने वीडियो उड़ा दी ताकि भाई आप लोग बिल्कुल भी कतई बोर ना हो, समझ रहे हो। तो यार जितने हो सकते थे पूरा सामान रखा, और काफ़ी ज़्यादा सामान चाहिए था, तो इसमें काफ़ी टाइम भी गया मेरा, काफ़ी देर AFK रहना पड़ा है, मतलब
काम भी, खैर ये जावा का ये अच्छा रहता है कि दूर काफी डिस्टेंस पर भी वर्क करता है फार्म और दिक्कत नहीं होती, नहीं तो मतलब विलेज में के पास भी आप बना सकते हो, वरना बेड रॉक में तो भाई बनने में दिक्कत होती है, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब ये रहता है, तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। तो भाई हमने हमें बनानी थी रेल और पावर रेल दोनों बनानी थी, तो हमने रेल करी अपनी कंप्लीट 5 स्टैक के आसपास, नहीं 3, 3.5 स्टैक चाहिए थे, 3.5 या 5 स्टैक चाहिए थे, तो इनको करा कंप्लीट फटाफट से पूरा, जितना आयरन अपने पास पड़ा था और जितना आयरन अपना वहाँ पे था। उसके बाद हम गए नेदर, नेदर वर्ल्ड इसलिए गए क्योंकि भाई वहाँ पे हमें चाहिए था गोल्ड, गोल्ड इसलिए चाहिए था, हमारे घर में मुझे पता नहीं था गोल्ड है, जैसा कि मैंने आपको शुरू वीडियो में बताया, और भाई मैंने आके यहाँ पे गोल्ड लूटा था, बाकी जितना हो सकता था उतना गोल्ड लूटा भाई, बहुत मतलब ठीक ठाक अच्छा खासा गोल्ड लूटने के बाद, और इनसे फाइट भी मेरी जीते बंदों से, समझ रहे हो, तो खैर कोई नहीं हम जीत गए फाइट में, है ना, अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे भी हम आर्मर लेके बैठे भाई नेदर राइट का प्रोटेक्शन 4 अनब्रेकिंग के साथ, समझ रहे हो। तो खैर ये पूरा कंप्लीट करने के बाद भाई पूरा गोल्ड लूटा मैंने, और इतना गोल्ड लूटा कि मुझे कमी ना महसूस हो, मैंने कहा एक ही बार में पूरा हमारा मामला हो गया। और ये जो मैं शॉर्ट बता रहा हूँ आपको, इसके बाद पता क्या हुआ, जब मैं घर में सब बना के कंप्लीट हो गया ना, तो देखा मैंने दूसरी अपनी एक चेस्ट है घर बनी, वीडियो में भी बल्कि आ गया वो शॉट, मैंने अभी वीडियो में भी देखा वो एक मतलब दो चेस्ट मेरी, एक तो इधर घर में पड़ी हुई थी उसमें माल पड़ा हुआ था भाई दबा के, गोल्ड पड़े हुए थे अच्छे खासे इधर, वो मैंने नहीं उठाए, मतलब देखे नहीं जल्दबाजी में, ऐसा होता है कभी कभी भाई, इसीलिए कहते हैं जल्दबाजी ना करें, समझ रहे हो। तो खैर कोई नहीं, मतलब हमारा तो काम हो गया, पावर रेल हमारी बन गई पूरी, पावर रेल ज़्यादा नहीं चाहिए थी, 1.5 स्टैक के आसपास, नहीं 48 चाहिए थी, 1.5 स्टैक की 48 पावर रेल चाहिए थी इसके लिए। तो ये सब मैंने बना लिया पूरा मामला, है ना, और इसके बाद मतलब पूरा आपके भाई ने ये कंप्लीट कर दिया, देखा जाए तो पूरा सामान एक तरह से पूरा मैंने कल ही पूरा कंप्लीट कर दिया, मतलब कल मैं आज ये वीडियो डाल लूँ और कल रात में मैंने बहुत खेला मतलब ये स्पेशली यही चीज़ें कंप्लीट करने के लिए, तो इसको पूरा कंप्लीट करके मैं सोया, फिर चैन की नींद सोया, सुकून घोड़े बेच के सोया मैं, फिर सुबह बहुत लेट उठा। तो यार ये सब बनाने के बाद हॉपर चाहिए थे भाई 101, और साथ में भाई ये 12 कार्ड चाहिए थी, बाइक कार्ड समझ रहे हो ना, 12 बाइक कार्ड, तो इसमें अच्छा खासा टाइम किया। और ये डबल फेस वाला फार्म होने वाला है, ये मैंने एक अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में बनाया हुआ है, मगर ये थोड़ा अलग है उससे, तो बड़ा है काफ़ी, तो एक 6 फ्लोर का एक होगा और पीछे आगे पीछे 2 होगा, तो 12 इसलिए वाइट कार्ड, समझ रहे हो, थोड़ा आप समझ गए होंगे, बिल्डिंग टाइप बनने वाला है तो इस तरीके का है भाई। उसके बाद हमने ग्लास डाले, ग्लास को पूरा पकाया अच्छे से, ग्लास चाहिए थे 5, 5.5 स्टैक, और वो करने के बाद कंप्लीट हमें पता चला कि और चाहिए हमें सैंड जो है कभी पड़ गई भाई, सैंड को फिर करा और मतलब ढूंढा जाके बाइक करी सैंड की, सैंड के गड्ढे खोद दिए, समझ रहे हो। और यार ये हमारे बड़ी काम आई फैक्ट्री, ये जो हमें मिल गई थी ना ड्रिप, बहुत काम आई यार, बहुत ज़्यादा समझ रहे हो, अंधाधुंध काम आई ये, वरना तो बहुत परेशानी होने वाली थी, बहुत टाइम वेस्ट होता, और इसने अब इस फैक्ट्री ने भी छोटी सी हमारी फैक्ट्री है ये, इसने बहुत टाइम बचाया हमारा, बड़ी हम कर सकते हैं क्योंकि पास में यार वो ड्रिप स्टोन वाला है जो केव है, मगर मुझे बड़ी करने का फायदा नहीं है, मतलब मुझे लग नहीं रहा कि भाई कोई सर्वर तो है नहीं अकेले खेल रहे, अगर नीड रही आगे जाके तो बड़ी कर देंगे इसको, समझ रहे हो, तो कोई ऐसी अभी नीड मुझे महसूस नहीं हो रही, मगर हाँ आयरन फार्म शायद मैं बड़ा बताऊँ नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में शायद हो सकता है मैं बना दूँ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ यार कमेंट करके एक और बात बताओ, अगर मैं सेम आयरन फार्म बना दूँ पास में, तो दोनों वर्क करेंगे ना जावा में, कोई दिक्कत तो नहीं होती। और भाई इन लोगों ने मेरा जीरा हराम कर दिया, फैंटम ने, बहुत बुरे लगते हैं यार ये मनुज, इन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा भाई, टक्कर इतनी भयंकर मार रखी थी इन्होंने, मुझे नहीं लगता कोई मार सकता है, जीना मुश्किल कर दिया भाई, जीना मुश्किल, मतलब एक सेकंड का सुकून नहीं दिया इन्होंने, पहले मैं सोच रहा था जाके सो जाऊँ, फिर मैं सोया नहीं, मैंने कहा पहले अपना काम निपटा देते हैं, क्या ही कितना ही मारेंगे, मार मार के जान थोड़ी ले रही, तो भाई मैंने अपना सामान वामान मतलब निपटाया जो काम करना था, और फिर जाके मैं सो गया भाई, सबसे पहले मैं सोया क्योंकि भाई इन्होंने जीना हराम कर ही दिया था। सो के उठ के आया भाई, और जब बाहर आके मैंने आसमान की तरफ देखा, तो मुझे चैन को सुकून मतलब दिल को सुकून आया, सॉरी चैन को सुकून नहीं, हाँ चैन को भी सुकून आ सकता है, मगर दिल को सुकून आया मुझे कि हाँ अब मारो, तुम तड़पा रहे थे बे मतलब। तो भाई पूरा सामान आपके भाई ने कर लिया जमा,
देखा जाए तो बस स्मूथ स्टोन रहते हैं, तो स्मूथ स्टोन भी हो जाएंगे, मतलब ऐसे रहते हैं 15-16 स्टैक, तो वो भी अब आपका भाई अब कर ही लेगा कंप्लीट। और मैं आपको बता दूँ ये वीडियो मैं आफ्टर रिकॉर्ड के बाद मतलब वॉइस ओवर दे रहा हूँ, तो वो मैंने बनाई पूरे कंप्लीट कर लिए थे मैंने। और भाई ये सीट इतने ज़्यादा हो गए थे तो मैंने इसके लिए ना एक और काम करा, पता क्या काम, मुझे ना एक तो कंपोस्टर चाहिए था, मैंने ना बोन बीन फार्म बना लिया। बोन बीन फार्म छोटा सा आपको पता ही है भाई, कंपोस्ट नीचे चेस्ट लगाओ उसके ऊपर, ऊपर फिर कंपोस्टर, फिर ऊपर फिर चेस्ट और ऊपर डाल दो सीट, तो बाल वाल ला के भाई पूरा कंप्लीट इसको करा और इसको भी पूरा बनाया ताकि यार ये सीट डाले ख़त्म हो, कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बाकी नए सीट आ ही जाते हैं, काफ़ी जगह घेर रखी थी इन्होंने चेस्ट में, और मेरी आदत थी भाई यार इनको फेंकता नहीं था, मुझे वेस्ट लगता था, फुल पैसा बचाता आपका भाई, तो मतलब इसीलिए सीट बचा रखे थे। तो भाई यही था आज की वीडियो में, अगली वीडियो में जो हमने काम के लिए इतना मेहनत करी है, सामान इकट्ठा करा है भाई, शुगर केन फार्म बनाएंगे ह्यूज बड़ा वाला, समझ रहे हो ना, बहुत तगड़ा बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, वीडियो को लाइक करना और हो सके तो शेयर भी करना, ठीक है। और बताओ वीडियो कैसी लगी यार, ज़रूर कमेंट करके। अभी तो भाई आवाज़ को इग्नोर करना क्योंकि हालत ख़राब हुई हुई, आपको पता है आपको ऑलवेज की हालत खराब ही रहती है अगर हादसा अच्छा रहती है। तो भाई बस इतना ही था अच्छी वीडियो में, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो देखो इस बार मैंने फास्ट फॉरवर्ड नहीं करा, नेक्स्ट टाइम ओरिजिनल वॉइस ओवर करूंगा।